नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। 1000 करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, जिसमें कि हमने 115 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम नवंबर तक का करंट देखेंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, और कुल मिला के 116 प्रश्न से लेकर के 250 MCQ तक जाएंगे। तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि डेविस कप 2018 किसने जीता। जी हाँ, इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। डेविस कप 2018 का खिताब जीता है क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया। 26 नवंबर 2018 को कौन सा दिवस मनाया गया, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। सही जवाब है भारतीय संविधान दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व का स्कॉच पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया। सही जवाब क्या होगा, 118 का सही जवाब है ऑप्शन सी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 16 नवंबर 2018 को वैज्ञानिकों ने किसकी परिभाषा को सर्वसम्मति से बदलने का निर्णय लिया, द्रव्यमान, किलोग्राम, त्वरण या ग्राम। सही जवाब है किलोग्राम। अगला प्रश्न है, 19 नवंबर 2018 को वर्ष 2018 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई। तो ये प्रश्न पहले भी हमने देखा और इम्पोर्टेंट भी है। सही जवाब है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। 14 नवंबर 2018 को यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं। 121 का सही जवाब क्या होगा, हीमा दास। हीमा दास को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस। और कहाँ की है हिमा दास, असम की हैं। टेम्पेरे में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 400 मीटर की रेस में। आगे बढ़ते हैं। 12 नवंबर 2018 को पापुआ न्यू गिनी के दूसरे सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट गिलोए पर चढ़ने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है। 122 का सही जवाब है ऑप्शन डी, सत्यप्रूप सिद्धांता। अभी हाल ही में अंटार्कटिका की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है उस पर अरुणिमा सिन्हा मैडम ने जो है भारत का जो है तिरंगा फहराया, तो वो भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 11 नवंबर 2018 को ब्राजीलियाई ग्रांड पिक्स किसने जीता। सही जवाब है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। 7 से 9 नवंबर 2018 तक पांचवा विश्व इंटरनेट सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। क्या होगा आपका जवाब, सही जवाब होगा 124वें का ऑप्शन बी, वुजैन, चाइना। 9 नवंबर 2018 को मेडागास्कर गणराज्य में किसको भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, अभय कुमार। 8 नवंबर 2018 को किस देश ने दुनिया के पहले चेहरा युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुरहत एंकर का अनावरण किया। सही जवाब है ऑप्शन डी, चाइना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 10 नवंबर 2018 को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का विषय क्या था, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 127 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, विज्ञान एक मानव अधिकार। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2018 में और उसके बाद ग्रेजुएट हर लड़की को कितने रुपए देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 128 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 25,000 रुपये।
8 नवंबर 2018 को मेघालय के पहले लोकायुक्त के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? पहले लोकायुक्त मेघालय के पहले लोकायुक्त हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रणय कुमार मुसाहारी। राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया गया? 130 का सही जवाब है ऑप्शन सी 7 नवंबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 नवंबर 2018 को किस जिले का नाम अयोध्या रखा गया है? तो सही जवाब है 131 का ऑप्शन ए फैजाबाद। 7 नवंबर 2018 को किस शहर में स्थित एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ। भारत भर में सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? 133वें का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी 12 नवंबर। 5 नवंबर 2018 को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए? आपका जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए गाफुर रखीमो। 5 नवंबर 2018 को कांगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 135वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीना शेरिंगला। क्या होगा? नीना शेरिंगला। 3 नवंबर 2018 को वर्ष 2018 के अच्युत चांद पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? सही जवाब है ऑप्शन बी एम मुकुंदन। 11 नवंबर से 33वां आसियान शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। धर्म गार्डियन 2018 1 नवंबर 2018 को सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 भारत और किस राष्ट्र के बीच में मिजोरम में हुआ? तो आपको पता होना चाहिए मिजोरम, ठीक है, और धर्म गार्जियन ये मैंने क्वेश्चन कवर किया हुआ है तो गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब है जापान। 28 अक्टूबर 2018 को पहली बार लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मेडन इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है जिसे आईआईटी मद्रास में शोधकर्ता द्वारा डिजाइन और बूट किया गया है? 140वें का सही जवाब है ऑप्शन सी शक्ति। 1 नवंबर 2018 को औपचारिक रूप से आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 5वें भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? सही जवाब है 141 का। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 141वें का ऑप्शन बी राहुल द्रविड़। 31 अक्टूबर 2018 को बौद्धिक संपदा पर पहली भारत यूएस वार्ता कहाँ आयोजित हुई? 142वें का सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। विश्व बैंक समूह की इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है 143वें का ऑप्शन बी 77वीं याद रखिए इंपॉर्टेंट है। AIBA महिला विश्व चैंपियनशिप के 10वें संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया था? 144वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए MC मैरीकॉम। ट्राइब्स इंडिया की भी ब्रांड एम्बेसडर यही है, पता होना चाहिए आपको। भारत का पहला न्यायमूर्ति शहर कौन सा राज्य विकसित कर रहा है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 2018 की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 146वें का सही जवाब है ऑप्शन बी 66वां। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? तो 147वें का सही जवाब है ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई।
31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया है? तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, पता होना चाहिए। गुजरात की नर्मदा नदी पर है ये, साधु बेट द्वीप पर। जी हाँ, साधु बेट द्वीप। कौन सी नदी है? नर्मदा। आगे बढ़ते हैं। बाजार पूंजीकरण की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी ने अमेजन को दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया? तो सही जवाब है 149वें का ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। भारत द्वारा जारी पहली अर्ध हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है जिसे चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है? तो ट्रेन 18। अब ट्रेन 18 का भी नाम बदल गया है, इसका नाम ऑफिशियली रख दिया गया है वंदे भारत। ठीक है, याद रखिएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है चलती है 180 किलोमीटर। किस जगह 90 मिलियन यात्रियों की सेवा करने की क्षमता वाले एक छत के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ खोला गया है? तो 151 का सही जवाब है ऑप्शन सी, इस्तांबुल तुर्की। हाल ही में जारी फीफा की विश्व रैंकिंग में किस देश ने नंबर एक स्थान हासिल किया है? 152 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। हाल ही में यूरोपीय संसद द्वारा सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ये इम्पोर्टेंट है, सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार। तो 153 का सही जवाब क्या होगा? ओलेग सेंट्सोव। ओलेग सेंट्सोव इम्पोर्टेंट है, सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार, इस पर प्रश्न बन सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस शख्सियत को दिया गया सर्वोच्च सम्मान वापस ले लिया? तो ये म्यांमार की सर्वोच्च नेता, उनसे वापस ले लिया गया है। क्या है उनका नाम? आंग सान सू की। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में अवैध रूप से प्रवेश करने के कारण 23-82 भारतीय लोग उस देश के जेल में बंद हैं? तो 155वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले नदी जलमार्ग बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो 156वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, वाराणसी। अमेरिका ने पाकिस्तान में किस देश के वृद्ध शरणार्थियों के लिए 7.3 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है? तो 57 का सही जवाब क्या होगा? 157 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। भारत के किस पहलवान ने 65 किलोग्राम भार वर्ग प्रतिस्पर्धा में विश्व रैंकिंग में नंबर एक स्थान हासिल किया है? सही जवाब है बजरंग पूनिया, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया है? 159 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेशल्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों पर पीपीपी योजनाओं के तहत लीज पर देने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 6। भारत की किस परमाणु पनडुब्बी ने सफलतापूर्वक अपना पहला गश्ती अभियान पूरा किया? 161 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, INS अरिहंत। हाल ही में किस राज्य में बहुप्रतीक्षित सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो सिग्नेचर ब्रिज पता होना चाहिए आपको, दिल्ली। किसे हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 163 का सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिचिपाल मित्रसेना। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2018 में भारत और किस देश को संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो 164 का सही जवाब है पाकिस्तान।
किस देश की मदद से वर्ष 2022 में पाकिस्तान अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा? तो 165 का सही जवाब है ऑप्शन बी, चाइना। निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस सही जवाब है 24 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किस नेता को वर्ष 2018 के सियोल शांति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया? नरेंद्र मोदी, चैंपियन पर्यावरण का जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो भी इन्हीं को मिला है, चैंपियंस ऑफ द चेंज, नरेंद्र मोदी। किस भारतीय पत्रकार ने लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर करेज 2018 पुरस्कार जीता? 168वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वाति चतुर्वेदी। किस पूर्व केंद्रीय संसदीय मामलों और रसायन उर्वरक मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? 169 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अनंत कुमार। बीबीसी की 100 श्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्मों की सूची में किस भारतीय फिल्म को सूचीबद्ध किया गया है? तो 170वें का सही जवाब क्या होगा? 170वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, पादर पंचली। मुंबई और गोवा के बीच में 20 अक्टूबर 2018 को पहली क्रूज सेवा आरंभ हुई, इस सेवा का क्या नाम है? 171 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अंगरिया। वर्ष 2018 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? विलियम नॉर्थहॉस और पॉल रोमर। 172 का सही जवाब है ऑप्शन ए। बेपी कोलंबो नामक संयुक्त मिशन 19 अक्टूबर 2018 को किस ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया गया? 173 का सही जवाब है बुध ग्रह। बोको चोल किस राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही जवाब है 174वें का ऑप्शन डी, असम। भारतीय मूल की अमेरिकी मिनाल पटेल को किस क्षेत्र में कार्य के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो 175वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, मानव तस्करी के खिलाफ अभियान। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, तुषार मेहता जी। किस देश ने फांसी की सजा को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, मलेशिया। शाही लीची को किस राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? 178वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, बिहार। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में रावण दहन के दौरान किस जगह पर ट्रेन से कटकर 61 लोगों की मौत हो गई? काफी गर्म था यह मामला, कुछ महीनों पहले दशहरे के दिन ये घटना घटित हुई। तो सही जवाब क्या होगा? जोड़ा फाटक। 12वां एसएम एशिया यूरोप मीटिंग सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 180वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रुसेल्स। भारत ने किस देश को पराजित कर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2018 का खिताब जीता? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 181वें का ऑप्शन सी, श्रीलंका। किसका नामकरण अटल वन और अटल टू किया गया है? सही जवाब है 182 का ऑप्शन ए, गंगोत्री हिमनद की दो चोटियों का। ब्यूनस आयर्स में आयोजित युवा ओलंपिक में जेरेमी लालरिंगा ने किस प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता? तो 183 का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारोत्तोलन। हाल ही में खबरों में रहा मुनमुन क्या है? तो 184 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, पृथ्वी के चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला छोटा चंद्रमा। युवा ओलंपिक 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, युवा ओलंपिक। तो यहां से
कुल कितने पदक जीते भारत ने, ये आपको पता होना चाहिए। 185 जो है सही जवाब है, ऑप्शन बी 3 स्वर्ण 9 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 13 पदक। आगे बढ़ते हैं। ब्रुसेल्स में आयोजित 12वें एशिया यूरोप बैठक एसएम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने। वर्ष 2022 तक स्ट्रीट लाइट का स्थान लेने के लिए 3 चंद्रमा प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई है, किसके द्वारा, तो सही जवाब है 187 का ऑप्शन सी चीन। भारत ने प्रस्तावित विश्व के सबसे ऊंची रेल लाइन निम्नलिखित में से किन दो जगहों को जोड़ेगी, तो 188 का सही जवाब है ऑप्शन बी बिलासपुर और लेह। किसके द्वारा मोबाइल स्वास्थ्य ऐप मेडवॉच लॉन्च किया गया, मेडवॉच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 58। किसने वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 जारी किया, तो 191 का सही जवाब है ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। आगे बढ़ते हैं। कुलगोड़ गांव को अंत्योदय योजना के तहत भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया, यह गांव किस राज्य में स्थित है, तो 192 का सही जवाब क्या होगा, 192 का सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। अक्टूबर 2018 में किस राज्य में जीका वायरस का मामला सामने आया, 193 का सही जवाब है राजस्थान। धर्म गार्जियन मैंने बता दिया भारत और जापान। कौन सा राज्य देश का पहला धूम्र रहित राज्य घोषित हुआ है, सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। केंद्र सरकार ने 1982 बैच के भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त किया है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी रुचि घनश्याम। 30 अगस्त 2018 को किस राज्य में सिंचाई की कार्य क्षमता सुधारने हेतु 375 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने 30 अगस्त 2018 को आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो 198 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंबोडिया। भारत का पहला विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 किस नाम से आयोजित किया गया, तो 199 का सही जवाब है ऑप्शन ए मूव। भारत के किस अनुभवी अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो 200 का सही जवाब है ऑप्शन बी सत्य एस त्रिपाठी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा मुँह हीरो मुँह ओडिशा मैं हीरो हूँ मैं ओडिशा हूँ नामक कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो 201 का सही जवाब है ऑप्शन बी कटक। भारतीय रिजर्व बैंक की 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी के दौरान बंद किए गए 500 और 1000 के कितने प्रतिशत नेट बैंक के पास वापस आ गए, तो 202 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 99.3%। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में हेप्टाथलन में स्वर्ण पदक जीता, तो 203 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वप्ना बर्मन। अंकिता रैना ने किस खेल में 18वें एशियाई गेम्स में पदक जीता, तो 204 का सही जवाब है ऑप्शन बी निशानेबाजी। 18वें एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए, सही जवाब है जकार्ता। किस भारतीय महिला धाविका ने एशियाई खेलों की 400 मीटर की दौड़ में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता, तो 206 का जवाब हो जाएगा हिमा दास जी। किस अमेरिकी सेनेटर का ब्रेन कैंसर के कारण 25 अगस्त 2018 को निधन हो गया, तो 207 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जॉन मैकॉन।
भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 1 से 8 अक्टूबर। वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अब जो है हम जनवरी से लेकर के टिल अभी तक जितने क्वेश्चंस बने हैं उनको कवर करेंगे। हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।